गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, मीशो से मैंने बैग्स मंगाए हैं, ढेर सारे बैग मंगाए हैं, आपको दिखा भी दूँ और अभी अच्छे से दिखाऊंगी। और एक दो नीचे गिर गए हैं, मैं सारे ही आपको दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जैसे मीशो से हम कुछ चीज़ लेते हैं, जैसे कपड़े लेते हैं, तो हमें लगता है यार ये बैग की क्वालिटी अच्छी होगी नहीं होगी। पहले मैं खुद भी बहुत डरती थी कि ये बैग मैं मंगा रही हूँ। मैंने जब ये ऑर्डर किया ना, जब फर्स्ट बैग मेरी आई तब मैंने कहा अरे ठीक है क्वालिटी, क्योंकि मैंने कभी क्वालिटी बैग मंगाया ही नहीं था मीशो से। और मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं जाके खुद देखती हूँ तब लेती हूँ, बट मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि मीशो में कपड़े की क्वालिटी तो बहुत ठीक है। मैंने आज जो पहने अभी मीशो का ही पहना है मैंने, बट थोड़ा सा ना डर लगती है लेने में कि ऐसा है अच्छा होगा नहीं होगा, इतने का लगता है कि नहीं देखने में, क्योंकि कोई ऐसी ब्रांड नहीं है ये। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगाया और मेरी तरह बहुत से लोग डरते हैं और सर्च करते हैं क्या लूँ ना लूँ। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ये जितने का है मैंने लिया उतने का ये दिखता है कि नहीं है, या क्वालिटी वाइज वैसा उतने का लगता है नहीं है, मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसको स्टार्ट करने से पहले, दिखाने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मेरा फर्स्ट सबसे प्यारा और जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था, अच्छा सबसे पहली बात, किसी में अगर टैग लगा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो मैं सारे प्राइस आपके पास मेंशन कर दूंगी सबके साथ। ये ना बटुआ टाइप बैग है, जैसे हम बटुआ लेते हैं ना, पोटली टाइप, आप जो जैसा कहता हो पोटली या बटुआ, ये ऐसा है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर ये दे रखा है, ऐसे ये ओपन किया और ये, और काफ़ी ज़्यादा सामान भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत छोटा है। मैं आपको इसको लेकर अच्छे से दिखा दूंगी। और ये देखिए आप दूर से देखो, और मुझे ना ऐसे पोटली वाले बैग ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वो जो पार्टी वगैरह में पोटली लेते हैं वो, बट वो मुझे कम पसंद आता है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, मुझे लगता है कहीं जाओ ना तो कुछ भी आपने पहन रखा है ये तो वेस्टर्न पे भी चलेगा, इंडियन पे भी चलेगा, कुछ भी पहन रखा है उस पे चलेगा। तो मुझे ये बैग मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद। और इसको आप यहाँ से बड़ा छोटा जो भी चाहो आप कर सकते हो, मैंने इसको छोटा करके रखा था क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था। ये रहा, आप जितना ही बड़ा चाहो ये और बड़ा हो जाएगा, और मुझे जब इसमें आप कुछ रख दोगे तो ये ऐसे लूज नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। मुझे इसका कलर भी ये बहुत पसंद आया, और इसमें शायद टैग लगा हुआ है बट मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, जितने का दिख रहा है इतने का ही नहीं, इतने का नहीं था 100%, 999 का पड़ा दिखा रहे हैं बट इतने का नहीं था, तो मैं एकदम से कंफर्म नहीं, इसलिए मैं बाद में इसमें शेयर कर दूंगी, साथ साथ स्क्रीन पे दिखेगा। और ये बैग मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। एंड सेकेंड बैग है मेरा, यार ब्लैक ना, मुझे ड्रेस पहननी हो तो ब्लैक, और वेस्टर्न इंडियन कुछ भी हो मैं ज़्यादातर ब्लैक ही पहनती हूँ। आपको पता भी है, जो मेरी वीडियोज़ देखती हैं उनको पता है कि मैं ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जब बैग वैग की बारी आती है ना, तो तब भी मैं सिर्फ ब्लैक ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। ये एक बैग लिया था मैंने, ये ऐसे है, और इसका लॉक सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। ये देखो ओपन ऐसे होगा, सिर्फ एक वन उसमें है, ज़्यादा नहीं है कि ढेर सारे डिवाइड करके दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है उसमें। आप आराम से रख सकते, पाउचेस रख रहे हो आजकल तो बस रखना क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मोबाइल रखना है, वाइप्स रखने हैं, थोड़े बहुत मेकअप के सामान अगर आप रखते हो तो, मैं तो वो भी नहीं रखती नहीं जाती हूँ, तो इतना ज़्यादा सामान नहीं होना। और दिखने में थोड़ी सी मुझे स्टाइलिश लगी, और कलर भी इसका जो ब्लैक मुझे चाहिए होता है ये वही है, जेड ब्लैक जिसको मैं कहती हूँ, जिसका ये मेरा ड्रेस दिख रहा है, पता नहीं मैच करा नहीं, बट ये सेम यही है। और इसका लॉक सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादातर बैग्स में चेन दे देते हैं ऊपर, चेन बंद कर दो, बट ये ना मुझे देखो ये ऐसे, ये इसमें डालने के बाद ही बाहर से लॉक करना ऐसे, आप पूरा आपकी बैग सेफ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक तो मैं कैसे बताऊँ, मेरी बहुत फेवरेट है। बस इसमें जब आप कहीं रखोगे तो इसे थोड़ा सेफ्टी वाइज ये दे रखा है हुक टाइप का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो ये। एंड सेकेंड है मेरा ये कलर, तो आपको पता है गर्ल्स ज़्यादातर कलर्स यही लेती हैं, और यार ये मैं जितना इमेजिन की थी ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है ये बैग। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर आप ऐसे ही हैंड में कैरी करना चाहते हो तो ये छोटी है, और ये बड़ा कर सकते हो, आपको इसको शायद रिमूव नहीं कर पाओगे, हाँ अगर चाहो तो रिमूव नहीं कर पाओगे, मैं सोच रही थी। वैसे
हम ना कोई तिकड़म लगा ही लेते हैं खरबूज छीलने ही चाहिए। अभी बैग अंदर से ओपन करने पे बिल्कुल सिंपल और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जैसा हम सोचते हैं करें बड़ी चीप मतलब सस्ती सी है तो शायद उतना अच्छा ना हो, बट मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। आप देखो क्वालिटी मैं पास से दिखाऊँ, जैसे हम बैकेट वगैरह की बैग लेते हैं ज़्यादातर मैंने बैकेट की बैग ली इससे मेरे मुँह से वही एक नाम निकला। बैकेट वगैरह के बैग में जो फिनिशिंग होती है एग्जैक्ट वही फिनिशिंग है। देखो कहीं पे कोई रेसा नहीं निकला है, कोई धागा नहीं निकला, कहीं से कोई सिलाई नहीं निकली। ये बैग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कैरी करना माय गॉड। और इसके साथ जो पिंक के साथ गोल्डन दे रखा है, एक तो पहली बात है बहुत डार्क वाला पिंक वैसा नहीं है, डल पिंक है इसलिए बहुत सुंदर लग रही है। और ये बैग अंदर ऐसे है जैसे एक नॉर्मल एक चेन देते हैं, कुछ आप पैसे वगैरह रखो, वैसे आज के टाइम पे तो लोग पेटीएम ज़्यादा करते हैं, पैसे रखते ही नहीं, बहुत कम रखना होता है। और ये मोबाइल वगैरह के लिए दे रखा हो, और एक ये बड़ा सा दिया। मुझे ये बैग बहुत पसंद आई, बहुत बहुत बहुत, और थोड़ा सा स्टाइल लगने के लिए भी। एनीवेज बैग पे भी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मेरी थर्ड बैग है एंड फोर्थ है। बहुत ज़्यादा जब बड़ी बड़ी बैग्स हो जाती है ना तो मन करता है कोई स्लिंग सी छोटी सी बैग हो जिसमें थोड़ा सा कुछ डालो और टंग करो, मतलब ले लो और चल दो या टक कर, मुझे अच्छी लगती है। तो ये एक बैग है, मैं दिखाती हूँ आपको, पता ही है ये सिंगल तरीके से ली जाती है, बट मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ऐसे लेना, मुझे बैग ऐसे लेना ही पसंद है। और मैंने ऐसी बैग बैगेट में देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट इसमें भी एक्चुअली मैं थी नहीं और सब हस्बैंड रिसीव कर रहे थे तो सारे के टैग निकाल के फेंक दिए, मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती थी। टच वुड मुझे सब सही मिला। नॉर्मली स्टाइलिस्ट ऐसे दिखती है ये बाहर से बैग, और ये आप ऐसे हैं एंड ओपन करने के बाद ये ऐसी है। इसमें जैसे नॉर्मल स्लिंग बैग में देते हैं ये एक चेन सी दे रखी है, वही आप कुछ भी रखना चाहो पैसे वैसे इसमें रख सकते हो। एंड दो ऐसे ऐसे जो कि सेम एक ही होता है, आपको लगता दो है। ये बैग भी बहुत अच्छी मुझे लगी थी, क्योंकि हमेशा ना कभी कभी क्या होता है हम बड़ी बैग लेके ना ऊब जाते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम थोड़ी सी छोटी बैग ले ले, तो कभी कभी कुछ नहीं बस रेडी हुए और रेडी होकर बस फटाफट से उसमें बैग में जो इम्पोर्टेंट सामान है वो डाला और निकल लिया। ठीक है, एक ये मेरी बैग है, मुझे बहुत पसंद है। मैं ना लेते समय बहुत डर रही थी, पता नहीं यार फर्स्ट टाइम इतने ऑर्डर कर दिए अच्छा है नहीं है, बट यार अच्छा है, मीशो पे क्वालिटी अच्छी है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ। कभी कभी देखो आप कभी मॉल से भी कोई कपड़े लेते हो ना तो कभी कभी वो भी ख़राब निकल जाता है, तो कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना इग्नोर किया करो। अच्छा ये है मेरी, मैंने चार बैग आपको दिखा दी, माय गॉड ये फिफ्थ बैग है। आई डोंट नो ये पिंक आपको कैसा दिख रहा है, बट मुझे ये पिंक अच्छा लगा था। वो जैसे बेबी पिंक टाइप का है, बट बेबी पिंक में लग रहा होगा ना अरे बड़ा अजीब सा लग रहा, नहीं यार पास से ना ये बैग बहुत प्यारी है, और इसका जो ये पिंक के साथ गोल्डन दे रखा है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है यार। पिंक ब्लैक ये सब क्या कलर है, पिंक ब्लैक रेड, ओह माय गॉड। तो ये एक है, अब इसको मैं बाहर से दिखाऊं, पहले ये ऐसी है दिखने में, बैक साइड से ऐसी है, और इसका ये सेम ही है। आप चाहो तो एक सिंग कर सकते हो, जैसे जो आपको चाहिए आप ऐसे कर सकते हो, वैसे हमको डबल ही देते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए यहाँ से, इनमें ना बहुत अच्छी चीज़ है, जो प्यारी सी चीज़ है बाहर से इसका लॉक खुलता है, उसके बाद फिर इसमें अंदर यहाँ चेन दे रखी है, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, दो पार्ट में एक पार्ट बिल्कुल सिंपल है ये, और बहुत लाइट वेट है बैग, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी लग रही हो, बहुत लाइट सिंपल कोई। और थर्ड इसमें कुछ नहीं दे रखा, मोबाइल और पर्स, ये सब कुछ समझते हुए कि पेटीएम वगैरह लोग यूज़ करते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। और ये एक लास्ट में बाहर दे रखा है, आप घर से निकले फटाफट से लॉक किया और कीज़ को इसमें डाला, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तब तो ठीक है, बट जब हम कहीं से आते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी कीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी पर्स को एक कुआं कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं, तुम लोगों की बैग नहीं होती पूरा कुआं होता है कुआं। तो ये मेरी बैग है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, पिंक अच्छा पिंक है, ये मत सोचना कि कैसा पिंक है, और सब कुछ रखा और ये लॉक कर दिया। अब ये हिलेगी डुलेगी नहीं अपनी जगह से, नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, क्या करूँ मैं अकेले बनाती हूँ वीडियो, मेरे पास कोई होता ही नहीं जिसको मैं बोलूँगी यार फोन पकड़ लो। एंड ये मेरी मोस्ट 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 फेवरेट बैग है, आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत पसंद है ये। मैं आपको दिखाऊँ, ये सिंपल सी ऐसी बैग है,
कुछ भी इसमें नहीं दिया। एक बड़ी सी ये दे रखी है स्लिंग बैग टाइप से, आप लेना चाहो कहीं जर्नी कर रहे हो तो। और ये नॉर्मल छोटी, ये भी आप टक कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं नॉर्मली हैंड में ही लेती हूँ, आपको बता भी रखी हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए सब मुझे बहुत पसंद आई यार, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी और भी साइट से मंगा रखा था अमेजोन वगैरह से, मुझे इसकी क्वालिटी उससे कई ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा मैं बताऊँ इसको पहले दिखा दूँ आपको, एक सेकेंड, मैंने एक्चुअली सारी जिप ना ओपन करके रखी थी कि आपको दिखाना है, बट बंद करूँगी तभी दिखाऊंगी। देखो ये ऐसी है, 1, 2, 3। अच्छा नॉर्मली क्या है, 1, 2, 3, 3 डिवाइड कर दिया इसमें, पिंक जो दे दिया ना थोड़ा सा लुक आ रहा है। वैसे नॉर्मल क्या करते हैं, ब्लैक ब्लैक दे देते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, बट ब्लैक के साथ पिंक दे दिया ना तो थोड़ा सा अच्छा सा, मतलब वो खिल के आ रहा है, निखर के आ रहा है आप कह सकते हो। अच्छा इसमें पहला पार्ट ओपन करेंगे तो ये ऐसा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड सेकेंड, वो फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा छोटा सा, छोटा तो नहीं बहुत है, मैं तो इसको ट्रेवल में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड ये है दूसरा वाला जो बीच वाला पार्ट है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक ये है जो एक, मैं कैसे दिखाऊँ, ऐसे ये, एंड सेकेंड उसी में दूसरे साइड में आपको जिप वाला दे रखा है, आप कुछ रखना चाहो। एंड थर्ड वाला ये है, एंड लास्ट ये है, लास्ट वही सेम, आप मोबाइल रख सकते हो, अपनी हैंकी रख सकते हो, वॉच रख, कुछ भी रख सकते हो, कीज रख सकते हो। तो ये मेरी इनमें से सबसे फेवरेट बैग है। और इसका सबसे बड़ी बात बताऊँ, जब आप कहीं ट्रेवल करते हो ना तो आप कितना भी बैग ले लो, पर जो एक थोड़ी सी बड़ी सी बैग, छोटी बैग लोगे तो सब कुछ नहीं आता, और ट्रेवल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वाइप्स हो गया, फ़ोन हो गया, वॉच हो गई, चार्जर हो गया, ये चीज़ें आप ऊपर रखते हो, तो ये उस पर्पज़ से। जब भी यूज़ करूँगी आपको दिखाऊंगी, इसको कहीं जाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी मैं कैसे लेकर जाती हूँ। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।